नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? एक सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है कि उत्तराखंड में, हिमाचल में और पंजाब की तरफ जो एक बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है, जो फ्लड सब तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है, उससे कब जाकर के मुक्ति मिलेगी? ये कोहराम आने वाले 3 महीने तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा या हमें कोई राहत की सांस यहाँ पर देखने को मिलेगी? मैंने अपने लास्ट जो बारिश का वीडियो बनाया था उसमें इन 3 जगहों के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और इसीलिए आज की स्पेसिफिकली वीडियो जो है वो हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप सभी को थोड़ी राहत की सांस मिल जाए और एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि आखिर कब हमारे लिए चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। देखिए, जुलाई का जो ये महीना है ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड महीना होने वाला है, क्योंकि मौसम अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रकोप और बहुत ही ज़्यादा डरावना रूप यहाँ पर लेकर के आ रहा है। मौसम ने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है कि लोगों को परेशान करना है, और परेशानी का मंजर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। और कुछ हमें आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स देखने को मिल गए, कुछ ट्रेलर्स देखने को मिल गए, बट क्या ये पिक्चर अच्छे से रिलीज हो पाएगी या बीच में ही फ्लॉप हो जाएगी, इसको जब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। यहाँ पर कुंडली तो नहीं दिखा पा रहा अभी, बट ऐसे ही बोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्रहों के माध्यम से, ताकि आप समझने की कोशिश करें। देखिए, अभी 2 महत्वपूर्ण ग्रहों पर हमें फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है आपका सूर्य, दूसरा है आपका बुध, और तीसरा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वीनस। बुध, सूर्य और शुक्र जिस तरह से, जिस क्रम में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, जिस क्रम में अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उस क्रम की वजह से ये एक अचानक फ्लक्चुएशन देखने को मिला। 6 जुलाई के बाद से लेकर के 7 और 8 जो पैरेलल ट्रांजिट हुआ था बुध का और शुक्र का, उसके बाद से तबाही एकदम से बढ़ते हुए नजर आई, और तब से लेकर के आज तक में आप देख लीजिए, 7 तारीख के पहले की स्थिति उतनी खराब नहीं थी, बट 7 तारीख से लेकर के आज अभी 11 तारीख तक के बीच का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसे में यह आगे कितने दिनों तक और चलता रहेगा? 15 तारीख को अभी सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य और बुध की युति यहाँ पर बन जाएगी, बुधादित्व योग यहाँ पर बन जाएगा, और ठीक इसी समय यहीं पर क्या हो जाएगा, ठीक इसी समय मंगल और शनि के बीच में जो समसप्तक योग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता, बट बात को समझिएगा कि कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। 15 तारीख के बाद से माहौल बदलना शुरू होगा, और 22 तारीख के बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें थमना शुरू हो जाएंगी। आज की डेट में उत्तराखंड में, हिमाचल में जो एक प्रलय का माहौल बन रहा है, पहाड़ों से ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है, और वो तूफान पूरे नॉर्थ भारत को बहा के ले जाएगा, तो मैं अभी भी कहूँगा कि इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। 18 मास से जैसे ही अधिक मास शुरू हो जाएगा, नॉर्थ थोड़ा सा शांत हो जाएगा, पश्चिम दिशा थोड़ी सी खराब होते हुए नजर आएगी। सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, सूर्य और बुध की युति जैसे ही बनेगी, वैसे ही चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगी, एंड 22 जुलाई 2023 के बाद का समय धीरे धीरे बेहतर होता हुआ नजर आएगा। 22 जुलाई के बाद उन सारे इलाकों में बारिश बढ़ते हुए नजर आएगी जहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और उन सारे इलाकों में बारिश कम होते हुए नजर आएगी जहां पर मैंने आप सभी को संडे के लाइव सेशन में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो मेरा लास्ट बारिश के ऊपर वाला लाइव सेशन देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, अभी यहाँ पर देखा जाए तो बाढ़ के जो हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी, एक तरह से कह सकते हैं कि लाइक हमारी, मतलब कि हमारे सरकार की एक तरह से नासमझी की वजह से कह सकते हैं, मुझे अभी सही शब्द यहाँ पर नहीं मिल रहा, या सरकार ने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अरेंज नहीं किया इस वजह से हो सकता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, ये चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, और यहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत जल्दी सही कदम बढ़ाए जाएंगे, और 22 जुलाई के बाद चीज़ों को बेहतर होते हुए हम देख पाएंगे। 22 जुलाई के बाद डेफिनेटली आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बारिश की, पहाड़ों की मिलना थोड़ी सी बंद हो जाएगी, और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगी। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, फ्रांस की तरफ देखिए भारत के बाहर, मणिपुर में देख लीजिए आप, भारत में आग बरस रही है, मतलब कि उपद्रव हो रहे हैं, आग का तांडव हो रहा है,
और यहीं पर अगर हम नॉर्थ में देख लें तो पानी की तबाही देखने को मिल रही है। अभी शफल होगा, जो अभी नॉर्थ और ईस्ट जो कन्वर्ट हो रहा है, ये बहुत जल्दी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बाद साउथ वेस्ट में ही शिफ्ट हो जाएगा, और वेस्ट और साउथ और वेस्ट और साउथ के बाद लास्ट फैक्टर जो बनेगा इसका, वो बनेगा साउथ और ईस्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 17 तारीख को एक बड़े भूकंप की आशंका है यहाँ पर, और उसके बाद से भूकंप की कई सारी लड़ियाँ लग जाएंगी, छोटे छोटे भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे। एक बड़ा भूकंप जो 6.7 रिएक्टर से ज़्यादा का होगा, और उसकी वजह से सुनामी की चेतावनी आएगी, और फिर वहाँ का जो माहौल रहेगा वो बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा, पानी और ज़मीन के बीच की जंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर देखिए भूकंप का झटका नहीं आता तो समझ लीजिए कि ये साल भी हमारा आराम से निकल जाएगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर दिक्कत कब आएगी? जब साइक्लोन आएगा। तो इसीलिए अभी तक हम थोड़ा सा बैलेंस हैं, थोड़ा सा स्थितियां विपरीत होते हुए नजर आएंगी, बट फिर चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नजर आएगी। आप सभी को बस एक ही प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि भूकंप का जो झटका आने वाला है, 6.7 रिएक्टर का जो भूकंप का झटका आने वाला है, वो चाइना में ना आए, वो हिमालय की वादियों में ना आए, वो जितना हो सके साउथ की तरफ जाए, उतना परेशानियां कम से कम आएंगी। जितना वो ऊपर आएगा परेशानियां ज़्यादा रहेंगी, जितना वो नीचे जाएगा परेशानियां कम से कम देखने को मिलेगी। हालांकि इंडोनेशिया भी एक बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में चल रहा है अभी, वहाँ की ग्रह स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती, और वहाँ पर भी अगर भूकंप का झटका आता है तो वो बड़ी तबाही लेकर के आएगा, ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। बट फिलहाल अगर हम फोकस करें पंजाब के ऊपर, पंजाब में 15 तारीख के बाद से स्थितियाँ नॉर्मल होना शुरू होंगी। 24 तारीख के बाद पंजाब काफ़ी बेहतर महसूस करेगा। हिमाचल में 22 तारीख के बाद से ही चीज़ें स्थिर होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और उत्तराखंड में हरिद्वार में जो परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं, ये भी आप सभी देखिएगा 18-19 तारीख के बाद धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू होंगी, और 22-23 तारीख के बाद काफ़ी हद तक स्थितियाँ जो है वो कंट्रोल में आती हुई नजर आएंगी। बाकी दिल्ली में या राजस्थान में अभी तो कोई परेशानी नहीं है, बट राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बाढ़ जैसी स्थितियां बनेंगी और राजस्थान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नजर आएगा। राजस्थान की सरकार को अभी से ही सचेत हो जाना चाहिए ताकि जो उदयपुर का इलाका है, चित्तौड़ का इलाका है, या राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर की तरफ की जो जगह है, वहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा खराब ना हो, इसीलिए पहले से ही जितना तैयारी रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। अभी जब तक सूर्यदेव राशि परिवर्तन नहीं कर लेते और बुध के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती, तब तक बुध थोड़ा सा विचलित रहेगा, और सूर्यदेव के आते ही मंगल शनि एक्टिवेट हो जाएंगे, और वहीं पर जो है वो बारिश रुकते हुए थमते हुए और एक डिसबैलेंस वेदर एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। बट आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस समय नुकसान का नहीं है। नुकसान के लिए डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिए, नहीं अगर देखिए लास्ट मेरा बारिश का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको नुकसान की तारीखें भी देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।